उनके लिए उन्होंने एक ऐसे सेटअप बनाया है कि उनकी हेल्थ और उनकी एजुकेशन पे काम करे, और ये सब कुछ वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। मेरे साथ आज महविश मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि रणा फाउंडेशन बनाने के पीछे इनका क्या एक आइडिया था, क्या मकसद था, और इन बच्चों को किस किस्म की मजीद फैसिलिटीज दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। महविश मेरे को बताओ आपका ताल्लुक कहाँ से है? अच्छा, बेसिकली मैं सवाबी से हूँ, लेकिन पूरी ज़िंदगी मैं पेशावर में रही हूँ और एजुकेशन भी मेनली पेशावर से की है। बस मास्टर्स के लिए फिर एमबीए मैंने नस्ट से पिंडी से किया था, इस्लामाबाद हम शिफ्ट हो गए थे, बट फिर आई गॉट मैरिड और फिर मैं वापस पेशावर आ गई। आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने जी एमबीए भी किया है और फिर लेटर ऑन मैंने एमएसपी एचआर में किया था। आपने जो ये फाउंडेशन रखी है, पहले तो इसका एक पूरा आइडिया हमारे नाज़रीन को बताएं, शायद कहीं मुझसे कमी पेशी हो गई हो। अच्छा, रणा चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन बेसिकली हम स्ट्रीट चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबर विक्टिम्स और आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स पे काम करते हैं, और हम इनके एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। हमारा मेन मकसद है कि इन बच्चों को हम सड़कों से उठाकर स्कूलों में डालें, बट बीच में एक ब्रिज चाहिए होता है इन बच्चों को, क्योंकि डायरेक्ट सड़क से एक बच्चा स्कूल में नहीं जा सकता, तो वो एक ब्रिज हम प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों की ग्रूमिंग, एकेडमिक, सोशल सारी ग्रूमिंग हो के इन बच्चों को हम इन प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन में डालें। क्योंकि ये बच्चे ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, भीख में मांग रहे होते हैं, तो अपनी फैमिलीज़ के लिए ये सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, इसलिए हम जब यहाँ इनको लाते हैं तो हम इनको डेली 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ देते हैं, कुछ केसेस में इनको मंथली राशन पैकेज देते हैं, इनको खाना, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब कुछ जब इनको और इनके पेरेंट्स को मिलता है तो इनको छोड़ते हैं यहाँ पे। आपने कब से इसकी शुरुआत की है? मैंने 2016 में स्टार्ट किया था। और अभी तक आप कितने यहाँ से ग्रेजुएट्स निकाल चुके हैं, अगर इसको अदर वर्ड्स में कहूँ? अगर उस तरह देखा जाए तो टेक्निकली अभी तक रणा का एक बच्चा है जो यूनिवर्सिटी जा चुका है, एक बच्चा एयरफोर्स में जा चुका है, ये स्कॉलरशिप्स पे। हाँ जी, एक हमारी बहुत सक्सेस स्टोरी है जो कि बच्चे को हमने सपोर्ट किया था, वो अब माशाल्लाह से इंडस्ट्रियल इंजीनियर है और वो सऊदीया में काम करता है, जॉब भी है उसकी। ही वॉज द ओनली एजुकेटेड पर्सन इज होल फैमिली में, वो एक ही अब बच्चा है जो कि एजुकेटेड है, इंजीनियर बन गया, और उसका भी छोटा भाई भी, हम उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। बट ज़्यादातर हमारे बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो वो होते हैं क्लास 2-3 में, तो वो चूँकि हम 7 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 7 साल काम हो गए, तो अभी जाके मेरे मैक्सिमम बच्चे 9th और 10th क्लास में हैं, क्योंकि वो आए थे हमारे पास 2-3 क्लास के लेवल के आए थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारे पहले ग्रुप, पूरा एक ग्रुप जो है वो मैट्रिक पास करेगा और फिर उनके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमने सोची हैं। मैं भी जैसे आपने कही स्ट्रीट चिल्ड्रन है, तो ये खुद आते हैं या आप लोग जा जाके इनको ऑल ओवर पेशावर ढूंढते हैं और फिर उनको मोटिवेट करते हैं लाने के लिए, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं? बिकॉज इट इज़ अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट फॉर देयर पेरेंट्स, कि उनका एक अर्निंग सोर्स जो है वही उस टाइम कमा नहीं रहा और पढ़ रहा है। एग्जैक्टली, तो नहीं, दोनों तरीकों से होता है। असल में जिनको पता लग जाता है वो खुद आ जाते हैं, हमारे विजिटिंग कार्ड्स मेरे होते हैं उर्दू में, हमने छापे हैं, वो इधर उधर हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, किसी को के हाथ लग गया, किसी दुकानदार ने बच्चे को देख लिया उन्होंने, तो कुछ बच्चे खुद आ जाते हैं, कुछ हम उनको खुद देते हैं कार्ड्स, उनको कहते हैं आ जाओ। जब बच्चा यहाँ पे आता है तो हमारा प्रोसेस ये होता है कि हम एक फॉर्म उनसे फिल करवा लेते हैं और फिर हमारी फील्ड वाली टीम जो है वो जाके वेरीफाई करती है, क्योंकि वो बच्चा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हमें नहीं पता होता। तो वो जब केस वेरीफाई होता है, उनके घर जाके हमारी फीमेल फील्ड ऑफिसर्स हैं, वो घर के अंदर भी चली जाती हैं, वो पूरा वेरीफाई करती हैं। उसके बाद जब हमें कन्फर्म हो जाता है कि बच्चा नीडी भी है, चाइल्ड लेबर या स्ट्रीट चाइल्ड भी है, फिर हम उस बच्चे को एडमिशन दे देते हैं रणा में। उसके बाद वो बच्चा यहाँ पर आता है और एक बेसिक लिटरेसी उसकी शुरू होती है अलॉन्ग विद अदर फैसिलिटीज़, और मैं एक साल बाद उस बच्चे को हम फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में इनरोल करते हैं। जिससे आपने बात की, इनकी हेल्थ की भी बात की, आपने इनकी न्यूट्रिशन की भी बात की है, तो ये बच्चे किस तरह अपने आप को मैनेज कर लेते हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन में, क्या आपका क्राइटेरिया होता है उसके लिए भी? इनका तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ये बच्चे हमारे पास आते हैं जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया। यस, व्हेन दे कम टू अस, तो हमें सबसे पहले तो इनका पर्सनल हाइजीन बहुत बुरा होता है, वो तो देखते ही हमें अंदाज़ा होता है। फिर उनकी कपड़े, जूते, सर्दियों में जुराबे, जूते, स्वेटर्स तक हम इनको लेके देते हैं, प्लस इनकी एक मेडिकल चेकअप हम करवा देते हैं, ताकि अगर कोई एक तो बहुत एविडेंट कोई चीज़ हो, यानी कि अगर स्किन की कोई डिजीज़ हो या आईसाइट का प्रॉब्लम हो, विद इन अ वीक हमें समझ आ जाती है, वो सारा हम इनकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, दवाइयाँ, टेस्ट, सब कुछ करने तक, और इसके साथ साथ इनकी पढ़ाई भी शुरू हो जाती है। तो वो बच्चा हमारी ऐसे हम उसको
ले लेते हैं, जैसे अडॉप्ट कर लिया उस बच्चे को, ऑल्दो 5 बजे ये बच्चे वापस अपने घरों को जाते हैं। कितने बजे? 9 से 5 हमारा सेटअप है जिसमें 2 शिफ्ट्स चलती हैं, 9 to 2, 3 to 5। अभी इस वक्त जो है वो 3 to 5 वाली शिफ्ट चल रही है। 9 to 2 वो शिफ्ट होती है जो कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे जब हमारे पास यहाँ पे आते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन, तो सुबह में आते हैं क्योंकि वो तो स्कूल्स नहीं जाते। जब उनको एक दफ़ा हम स्कूल्स में डाल देते हैं तो उसके बाद वो दोपहर में आते हैं, सुबह स्कूल से आते हैं, दोपहर में यहाँ आते हैं। जब एक बच्चा सोर्स ऑफ इनकम है अपनी फैमिलीज़ के लिए, तो जब वो यहाँ पे आता है तो ऑब्वियसली हमने फैमिली को मंथली राशन भी देना होता है, 50 रुपीज़ भी बच्चे को देते हैं, मेडिकल की फैसिलिटी भी देते हैं, तब उनके पेरेंट्स इनको छोड़ते हैं कि चलो ये एक बच्चा मेरा पढ़ ले। तो इस तरह ये चलता है। इतना सब कुछ करने के लिए एक हैवी अमाउंट चाहिए होता है, तो इसको फंड कौन करते हैं? आप अपनी मदद आपके थ्रू कर रही है, क्या इसके पीछे इनका सोर्स क्या है? मैं सच बात है, मैं ये नहीं कहूँगी अपनी मदद आप, मैं कहूँगी हमारे इंडिविजुअल डोनर्स हमें सपोर्ट करते हैं। शायद मैं फॉर एग्जांपल आप मुझसे मिलिए, अगर मैं कर सकती हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली। जो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली अगर बाहर कोई होते हैं तो जाहिर है मेरा भाई बाहर है, वो उस एक बच्चे को दो बच्चे को सपोर्ट कर लेते हैं। तो वी हैव अ प्रोग्राम ऑफ स्पॉन्सर अ चाइल्ड, तो एक डोनर को हम एक बच्चे के साथ अलाइन कर देते हैं, फिर उस डोनर को उस बच्चे की मंथली अपडेट्स जाती हैं, वो डोनर इस हद तक अटैच हो जाता है कि उसको कभी कभी लगता है ये मेरा चौथा या तीसरा बच्चा है। तो उस दिन एक डोनर ने मुझे 10,000 रुपीज़ भेजे कि मेरे बच्चे के लिए आपने सर्दियों के कपड़े लेके देने, और सही दुकान में वो शॉपिंग करे, खुद जाए और ख़ुद अपने, तो देन वी हैड टू स्पेंड दैट मनी। मतलब उसने कहा ये पूरे के पूरे यही लगाएगा, तो फिर हम उसको लेके गए, उसकी चॉइस के कपड़े खरीदे। तो वो डोनर्स की एक अटैचमेंट भी बन जाती है अपने उस बच्चे के साथ, और एक हमें सपोर्ट भी मिल जाता है। हमें कोई ऐसे कोई बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और इस तरह कुछ नहीं है, ये टोटली चैरिटी और डोनेशन और ज़कात पैसों के इंडिविजुअल डोनेशन पे चलता है। बिल्कुल, ये तो बात होगी रणा की, अगर हम पर्सनल उस पर कैपेसिटी में देखें तो अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर नॉट ओनली फॉर अ वुमन, फॉर अ मैन एज वेल, कि घर को देखना, फिर बच्चे को देखना, फिर एजुकेशन भी करना, क्योंकि आप अभी जेर तालीम भी हैं, और उसके बाद इतना खूबसूरत एक सेटअप भी चलाना, हाउ डू यू मैनेज इट? एजुकेशन मैं कर नहीं रही, मैं पढ़ाती हूँ, सो मैं फास्ट यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ। हाँ जी हाँ, मैं अदरवाइज थॉट कि यू आर टेकिंग पीएचडी क्लास? नहीं, वो फिलहाल जिंदगी में टाइम नहीं है, वैसे इरादा उसका भी है, कभी ना कभी करूंगी। वो कहते हैं बीबी और पीएचडी अच्छी जगह से करें, तो एक ही दफा है इंशाल्लाह है, लेकिन फिलहाल फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड जो फ्यूचर में है, तो फिलहाल रणा पे फोकस करना है। इसलिए मेरी फुल टाइम जॉब एक ज़माने में थी, लेकिन अब आई फोकस ऑन कि पार्ट टाइम में मुझे टीचिंग पसंद है, एज अ प्रोफेशन पसंद है, मुझे हायर एजुकेशन में यूथ के साथ इंगेज करना पसंद है, और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को रणा में इंगेज करूँ, ताकि यंगस्टर्स हमारे वॉलंटियरली इंगेज हों यहाँ पर, और उनको भी पता हो कि हमारी कम्यूनिटी के ये इशूज़ हैं और वो किस तरह। तो हमारे यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम्स भी बहुत होते हैं जिसमें हम इनको इंगेज करते हैं। तो मैनेज करने की जहाँ तक बात है, सच बात है कि अनमोल मेरा ख्याल है कि इंसान सब कुछ कर सकता है, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट और आप कितना अपने आप को डिसिप्लिन करते हो। हमारी सोसाइटी डराती भी बहुत है अपना काम कर, बच्चे के साथ तुम किस तरह कर लेती हो, तो वही सवाल मेरे आपसे है ना। माय डॉटर इज 15 इयर्स ओल्ड, ये छोटा बेटा मेरा 5 साल का है, बड़ी बेटी तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंडिपेंडेंट है, बट वो 2 साल की थी तो मैंने काम स्टार्ट कर लिया था, उससे पहले नहीं किया था। जब वो 2 साल की थी, बल्कि वो 3 साल की थी, तो मैंने पढ़ाई, मैंने शादी के बाद एमएस की, मास्टर्स की एक डिग्री मैंने पढ़ा शादी, बल्कि बच्चे की भी बात की थी, तो वो भी एक टाइम था। लेकिन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हाउ डिसिप्लिनड यू आर और हाउ ऑर्गेनाइज्ड यू आर, और प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को, और फिर टारगेट कि बस ये मैंने इस दिन में ये करना है। मैंने आपको टाइम दिया था, तो आई वाज फीलिंग गिल्टी कि माय सन वाज नॉट वेल, लेकिन मैंने कहा नहीं आज के दिन में तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं, मोस्ट वेलकम, आई एम ग्लैड यू केम। तो हर एक इंसान के पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होता है, आपका सपोर्ट सिस्टम कौन था जिसने आपको इतना इनकरेज किया, पुश किया कि यू कैन डू इट, आप कर सकती है, करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ या खड़ा हूँ? मैं इसमें हमेशा क्रेडिट जो है वो अपनी मदर इन लॉ को दूंगी। मेरी मदर इन लॉ, सो एवरीबॉडी सेज दैट, माय मदर इन लॉ अभी वो यूएस में हैं, वो गई हुई हैं अपनी इमिग्रेशन के लिए, आई मिस हर अलॉट, और हर दफ़ा मैं उनका नाम लेती हूँ, बिकॉज जब मैं रणा शुरू भी कर रही थी तो शी इज़ वेरी गुड इन उर्दू,
और मुझे लग रहा था मैं इंग्लिश और आर्ट्स वार्ट्स में अच्छी हूँ, तो मैंने उनको कहा बच्चों को पढ़ाते हैं उर्दू आप पढ़ाएंगी, इंग्लिश और आर्ट्स मैं पढ़ा लूँगी, मैथ्स गुजारा कर लेंगे कुछ। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा मैं इधर हमने पार्क में स्टार्ट करना था, एक इधर एक नज़दीक पार्क था तो हमारे पास तो स्पेस नहीं थी, तो उन्होंने कहा बस। मैंने कहा आप मेरे साथ चलें, मुझे तसल्ली होगी थोड़ी सी, ऑल्दो आई यूज़ टू टीच इन यूनिवर्सिटी उस वक्त भी, लेकिन बस ये तो बिल्कुल पब्लिक प्लेस में बच्चों को पढ़ाना इस तरह स्ट्रीट चिल्ड्रन को। तो शी वॉज विथ मी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंकरेजिंग, एंड वेन एवर आई थॉट ऑफ गिविंग अप शी वॉज ऑलवेज देयर। हाँ जी, तो जिस महवेश को हम आज देख रहे हैं उसके पीछे टोटली उनकी मदर इन लॉ की सपोर्ट, आई वुड से कि बहुत हद तक वो उनका उनका सपोर्ट, वो मेरा एक वो नहीं होता वो जो एक आप टेंशन में हो तो आ जाओ उनको बोल दो, आप खुश हो तो आ जाओ उनको बोल दो, कभी प्रॉब्लम कभी उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि अच्छा ये बहुत बड़ा इशू है प्रॉब्लम है, हर चीज़ का सोल्यूशन ओरिएंटेड वो होते हैं। और वो उनका अपना बिजनेस घर में है और वो अपना भी, लेकिन अदरवाइज शी इज़ अ वेरी डोमेस्टिक सी खातून, लेकिन शी वॉज अ ग्रेट सपोर्ट। मेरा तो सच बात है कि ये मैसेज होगा ख्वातीन हों के यंगस्टर्स हों के जो भी हों, हर इंसान हर कुछ कर सकता है और किसी चीज़ की लिमिटेशन अपने पे ना लाएं और किन लोगों की मत सुने। अगर मैं एक ऑर्डिनरी और सिटीज़न हूँ पेशावर की, और ये नहीं कि मेरे पास कोई बहुत रिसोर्सेज थे, मैं भी नौकरी करती हूँ, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, घर है, लेकिन आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहो तो उसको बस अपना एक मिशन बना के उस पर रवाना हो जाओ, तो अल्लाह ख़ुद रास्ते भी निकालता है और सिचुएशन बन जाती है और पॉसिबल हो जाता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इतना एंगेजिंग इंटरव्यू शायद बहुत कम होगा जिसको मैंने इंजॉय किया हो, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है ऐसी खवातीन के साथ जो कि हमारे खैर पख्तूनख्वा के कंजर्वेटिव माशरे में जहाँ खवातीन को इतने चांसेस नहीं मिलते आगे बढ़ने में, अपने आप को बनाया है, अपने आप को मनवाया है, जितनी खूबसूरत एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है जिसको हम शायद एक ख्वाब देखते थे कि हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए कोई कभी कुछ करेगा, तो आज ये वो हीरो हैं जिन्होंने हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए कुछ किया है। इसी के साथ अपनी मेज़बान अनमोल शिराज को दीजिए इजाज़त एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।